हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास ट्वेल्थ की ग्रामर से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस को कवर करा रहे हैं। तो आज हम सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ अपोजिशन इन नाउन और फ्रेज के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यूज ऑफ अपोजिशन किसे कहते हैं। अपोजिशन का आशय साइड बाय साइड होता है। अतः किसी नाउन और फ्रेज को उस नाउन के पास रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जा रही हो। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो कॉमा के बीच में रखा जाता है। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से सुनिए। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो कॉमा के बीच में रखा जाता है। इस नियम का प्रयोग तब होता है जब अलग अलग सेंटेंस में ऐसे दो नाउन्स हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करती हों। ऐसी स्थिति में इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। दोस्तों, अपोजिशन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इस रूल को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन रखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो कॉम्प्लीमेंट को रख देते हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधा एक इंटेलिजेंट गर्ल है। सी रीड्स इन माय क्लास। वह मेरे क्लास में पढ़ती है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन रखना है, तो पहले वाले सेंटेंस में जो नाउन है आपका वो राधा है। और जब नाउन में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उससे एडजेक्टिव निकलकर आ जाता है। जैसे राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधा एक इंटेलिजेंट लड़की है, तो राधा क्या है? तो देखिए एडजेक्टिव निकलकर आया एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधा एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो आपका सेंटेंस बनेगा राधा एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो दोस्तों, एन इंटेलिजेंट गर्ल ये एडजेक्टिव है, यही आपका अपोजिशन है। इसके पहले कॉमा लगाते हैं और इसके बाद में कॉमा लगाते हैं। दूसरे सेंटेंस में सी दिया है और ये सी राधा है, यानी इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वर्ब से पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे, रीड्स इन माई क्लास। तो ये सेंटेंस आपका बना राधा कॉमा एन इंटेलिजेंट गर्ल कॉमा रीड्स इन माई क्लास। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मोहन इज अ टीचर। मोहन एक टीचर है। क्या का प्रश्न करिए, मोहन क्या है? ए टीचर। तो ये आपका एडजेक्टिव है और यही आपका अपोजिशन है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो नाउन हो गया आपका मोहन, ए टीचर, और टीचर के पहले कॉमा लगाएंगे और टीचर के बाद में कॉमा लगाएंगे, यानी यही आपका अपोजिशन है, एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में ही दिया है, ये जो ही है ये मोहन है, यानी एक बार आप नाउन का यूज कर चुके हैं, दोबारा नाउन को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब से पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं, इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपका सेंटेंस बना मोहन कॉमा ए टीचर कॉमा इज वेरी इंटेलिजेंट। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए एग्जाम्पल हम नेक्स्ट। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान लीडर थे, यानी नेता थे। प्रश्न करिए क्या का महात्मा गांधी में, कि महात्मा गांधी क्या थे? तो एडजेक्टिव निकल कर आ गया, आपका पोजिशन निकल कर आ गया ए ग्रेट लीडर। तो आपका जो सेंटेंस बना महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, ये ही महात्मा गांधी हैं,
तो ही का यूज नहीं करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जोड़ देंगे पूरा, यानी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। आपका सेंटेंस बना महात्मा गांधी कॉमा ए ग्रेट लीडर कॉमा इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इंदिरा गांधी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी क्या है, तो आंसर निकल कर आया आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी यही आपका एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में सी वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, उनको उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा गोली मार दी गई थी। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले नाउन यानी इंदिरा गांधी रखेंगे और उसके बाद आवर प्राइम मिनिस्टर जो एडजेक्टिव आपका निकल कर आया उसको रखते हैं, और दूसरे सेंटेंस में ये जो सी है यही इंदिरा गांधी है, यही नाउन है, तो इस सी को दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है और सेंटेंस आपका जुड़ जाएगा वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी सेंटेंस आपका बना इंदिरा गांधी कॉमा आवर प्राइम मिनिस्टर कॉमा वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, यानी प्रश्न करिए टैगोर में कि टैगोर क्या थे, तो आपका एडजेक्टिव निकल कर आ रहा है द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वो बंगाल के एक महान कवि थे। तो सबसे पहले आप नाउन रखेंगे टैगोर, नाउन के बाद एडजेक्टिव जो आपका निकल कर आया क्या के प्रश्न से द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, और दूसरे सेंटेंस में ये जो ही हैं यही आपके टैगोर हैं, इनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल ये आप रख देंगे। सेंटेंस बन जाएगा टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि कॉमा वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव है वो आपके पहले ही सेंटेंस में हो सकता है एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में भी हो, तो प्रश्न करिए कि टैगोर जो थे वो क्या थे दूसरे सेंटेंस में, तो निकल कर आएगा ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो आप बना सकते हैं टैगोर कॉमा ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कॉमा वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। दोस्तों आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये था आपका सिंथेसिस में यूज ऑफ अपोजिशन। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।